अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने दो और नए चैनल शुरू किए हैं, जिसमें एक 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसको बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको उससे भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो मैंने कोई 15 सब्जेक्ट के जो आपके मुश्किल हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके वहाँ पर रखे हैं, तो आप उस 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए और अपने सब्जेक्ट को देखकर उन लेक्चर से भी फ़ायदा उठाएं। उसके बाद दूसरा जो मेरा चैनल है वो की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर मैंने आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से बहुत अच्छा मटेरियल खुद तैयार करके रखा है, तो वो इंशाल्लाह आपको कुछ ही टाइम के अंदर आपको अच्छी तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है। तो आप की टू सक्सेस को भी ज़रूर विजिट करें, ना सिर्फ विजिट करें बल्कि आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2020 का, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज जो है वो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग शुड फिल इन द ब्लैंक केयरफुली टू द पॉइंट ऑफ मीटिंग, स्पीक, लिसन, थिंक एंड वॉच। पार्टिसिपेंट जो है मीटिंग के, उनको केयरफुली जो है वो सुनना चाहिए, तो सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ टू आर मोर इंटर रिलेटेड एलिमेंट ऑफ एनी काइंड नॉट बीइंग एन अल्टीमेट इंडिविजिबल एलिमेंट बट होल दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। इसमें प्रोसेस थिंकिंग है, सिस्टम थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है और डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है सिस्टम थिंकिंग, वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द ब्रिज द गैप इन द एस्पिरेशन ऑफ क्वालिटी एंड द अटेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस है, क्वालिटी प्लानिंग है और क्वालिटी मैनेजिंग है, तो सेकेंड वाली जो ऑप्शन है क्वालिटी अश्योरेंस, ये इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, क्वालिटी अश्योरेंस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन है, स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज है, सपोर्ट सर्विसेज है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन, द अदर नेम ऑफ द क्वालिटी अश्योरेंस, तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डायमेंशन टेल अबाउट दी एबिलिटी टू रिपेयर प्रोडक्ट क्विकली एंड ईजिली। इसमें सर्विस एबिलिटी है, एथेटिक है, कंफॉर्मेंस है और फीचर है, तो इसमें जो सर्विस एबिलिटी है वो आपको बताती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को क्विकली जो है वो रिपेयर भी करना है और उसको ठीक भी करना है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, फ्रॉम द टोटल क्वालिटी प्रस्पेक्टिव देयर इज एन एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रोडक्ट एंड पीपल ओनली है, प्रोसेस एंड पीपल ओनली है, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड पर्पज है, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड पीपल है, तो मैंने जो है इसका थर्ड वाला ऑप्शन लगाया है, तो आप इसको काइंडली एक बार इंश्योर कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, टोटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस कैन बी डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रोडक्शन पीपल है, मार्केटिंग पीपल है, फाइनेंस पीपल है और जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सीलेंस होती है वो इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, तो इसलिए ऑल स्टाफ मेंबर आ जाएगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट हाउ डज प्रोडक्ट फील, लुक एंड साउंड। इसमें रिलायबल है, ड्यूरेबल है और इसमें ऑथेंटिक टीज है और फीचर है, तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल अफेथिटीज वो बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफर एक्सेप्ट, प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक है, मोड ऑफ डिलीवरी है, फ्लैट हायरार्की है, सपोर्ट सर्विसेज है, तो इसमें जो फ्लैट हायरार्की है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट कन्फॉर्मेंस आर डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। इसमें एक्सटीरियर फिनिश है, मीटिंग स्पेसिफिकेशन है और ब्रांड नेम है और ईज ऑफ रिपेयर है, तो फर्स्ट वाली जो है एक्सटीरियर फिनिश, वो इस सवाल का ठीक जवाब है। दोस्तों, इसके भी 15 क्विज हैं, ये जो है ऑलमोस्ट इस बार जो है वो 15-15 के ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड टू गिव बर्थ
टू टोटल क्वालिटी अप्रोच एक्सेप्ट, इसमें ऑप्शन विद क्वांटिटी है, इसमें कन्फ्यूजन एंड पुअर लीडरशिप है, वन एम्प्लॉय इन चार्ज है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, तो लास्ट वाली पॉलिटिकल डिसऑर्डर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो लास्ट वाला जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 12 नंबर पे, टोटल क्वालिटी व्यू इज द 80% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम आर द ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, एम्प्लॉय फॉल्ट है, प्रोडक्शन फॉल्ट है, कस्टमर फॉल्ट है एंड मैनेजमेंट फॉल्ट, द 80% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम इज ड्यू टू द मैनेजमेंट फॉल्ट, तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू असेस इंटरनल कस्टमर नीड एंड कम्युनिकेट इंटरनल सप्लायर कैपेबिलिटीज, इसमें रिटेलिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टूल है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, तो इसमें हमारा जो सेकंड वाला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल्स वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 14 पे, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी फॉर एम्प्लॉय हु फॉलो ऑर्डर्स गिवन बाय सुपीरियर्स एंड मैनेजर्स, इसमें एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, पैसिव है और विगोरियस है, तो इसमें जो है मैंने जो है वो पैसिव लगाया है, तो आप इसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज लो कॉस्ट, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड हाई प्रोडक्टिविटी एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों ये था हमारा क्विज आज का, मैं आखिर में फिर आपको कहूंगा आप की टू सक्सेस के ऊपर जाइए, आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहां पे ऑलमोस्ट मेरे कोई 15 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में सपोर्ट किया है वहां पे भी आप मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDB सोल्यूशन के साथ या क्विज सोल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।